हाय गाइस, हम इस वीडियो में Redmi Note 7 के सक्सेसर Redmi Note 7 Pro की बात करेंगे और हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उसमें आपको क्या 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 स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है और इसमें आपको कौन कौन सी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है जो कि आपको Redmi Note 7 से अलग देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल हम Redmi Note 7 Pro के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हाय गाइस, आई एम पीयूष कुमार सिंह एंड यू आर सो वाचिंग टेक्निकल पीयूष सिंह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो हम आते हैं Redmi Note 7 Pro के स्पेसिफिकेशन को। तो इसमें आपको स्पेसिफिकेशन में आपको जो ओवरलुक डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है Redmi Note 7 में, तो सेम टू सेम आपको Redmi Note 7 Pro में भी आपको यही देखने को मिलेगा, एकदम सेम डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। और यदि हम प्रोसेसर की बात करें तो इस करें तो प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा Qualcomm का Snapdragon 675 जो कि 11mm चिपसेट के साथ आने वाला है। यदि हम बात करें डिस्प्ले की तो डिस्प्ले आपको Redmi Note 7 के ही जस्ट लाइक आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप Redmi Note 7 के स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, उस आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको काफ़ी नॉलेज हो जाए Redmi Note 7 के बारे में, उसके बाद आप इसे देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। इसके यदि हम बात करें इसके कैमरे की तो कैमरा आपको बैक साइड में आपको दो कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि आपको फर्स्ट प्राइमरी कैमरा और सेकेंडरी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का और सेकेंड कैमरा जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो होगा 5 मेगापिक्सल का जो कि AI कैमरा सोनी IMX586 देखने को आपको इसमें मिल जाएगा। यदि हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा आपको वही देखने को मिल जाएगा जो कि Redmi Note 7 में आपको देखने को मिलता है। यदि हम बात करें इसके डिस्प्ले की तो डिस्प्ले आपको यू डॉटेज नॉट या आप कह सकते हैं यू वाटर नॉट आपको देखने को मिल जाएगा। इसी यू डॉटेज नॉट या इसी यू वाटर नॉट के अंदर आपको एक फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। यदि हम इसमें बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको समथिंग 4000 mAh का आपको देखने को मिल जाएगा, हो सकता है इससे आगे और कुछ पीछे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको क्विक चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट मिल जाएगा आपको जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। इसमें आपको चार्जिंग के लिए USB टाइप सी का सपोर्ट मिल जाएगा और ओवरऑल आपको जितने भी स्पेसिफिकेशन Redmi Note 7 में देखने को मिलती है वो सभी आपको Redmi Note 7 Pro में देखने को मिल जाएगा। यदि कोई फोन किसी का सक्सेसर होता है तो ओवरऑल उसकी स्पेसिफिकेशन उस सक्सेसर में रहती है, लेकिन उसमें कुछ रैम और रोम को बढ़ा दिया जाता है और उसके कुछ प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा दिया जाता है जो कि उसका सक्सेसर कराता है। यदि हम इसके लॉन्चिंग डेट की बात करें तो ये फरवरी के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में लॉन्च हो जाएगा। यदि हम इसके प्राइस रेंज की बात करें तो आप जानते होंगे कि यदि किसी मोबाइल का सक्सेसर डेवलप होता है तो सक्सेसर का जो प्राइस होता है वो जिसका सक्सेसर है उसी के मिलता जुलते का होता है। जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं Redmi Note 7 Pro के प्राइस की, तो आपको प्राइस Redmi Note 7 के ही मिलते जुलते आपको पड़ जाएंगे। जैसे कि Redmi Note 7 की प्राइस 13,000 और 14,000 के बीच में मिली थी, तो आपको ये भी Redmi Note 7 Pro भी आपको 13,000 से 14,000 देखने को मिल जाएगा। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ये सब जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताया, ये सब स्पेसिफिकेशन मैंने इंटरनेट से रिसर्च करके और इसे कलेक्ट करके आपको बताई, तो जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताया वो सब कंफर्म है कि आपको ये सब देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको और भी इसमें आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है, तो जब ये लॉन्च होगा तब उस दिन ही हम आपको कंफर्म करके बताएंगे कि आपको इसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो हमने इस वीडियो में Redmi Note 7 Pro के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में जाना। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर दें और आपको उसके बगल में बेल आइकन मिलेगा तो आप उस बेल आइकन को भी क्लिक करके आप उसे तोड़ दें फोड़ दें जो भी कर दें, लेकिन आपको उस बेल आइकन को आपको दबा देना है। यदि आप चाहते हैं कि ये नॉलेज आपके दोस्तों को भी पता चले तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए टेक्निकल पीयूष के साथ। ओके बाय।